ये दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस बरेली का, जो कि बरेली के ही श्रम मंत्री हैं। और मैंने जब उनसे बातें की तो वो कहते हैं मेरा 8 बार का नाम है भारतवर्ष में, जबकि मैंने उनसे ये कहा कि माननीय कर्मचारी समुदाय आपसे गुहार लगा रहा है, आप उनके बच्चे आपका नाम लेंगे कि एक 500,000 रुपए से पेंशन 7,500 रुपए कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं। कोश्यारी कमेटी है, उस कमेटी के माध्यम से जो 2013 में आपने स्वयं विपक्ष में रह के उसको लगवाने का एक संकल्प लिया कि दूर नहीं है वो समय। निश्चित आपको बता दूं कि नवंबर के लास्ट तक हर हालत में कोई ना कोई सकारात्मक आपके पेंशन पर निर्णय होंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके गले में लेट जाऊंगा, लपेट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मार दूंगा। मित्रों, मेरे विषय में आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। मैं न किसी से डरा हूं, न डरता हूं, न डरूंगा भविष्य में। लेकिन कर्मचारी हितों की लड़ाई के लिए सर्वदा आगे रहा हूं और आपकी मांगों के लिए हमेशा आगे रह के आपके जायज हकों मांगों को दिला के रहूंगा। मैं सर आपका कौशल किशोर चतुर्वेदी। आज ये रोड बेस पे जो मीटिंग यहाँ पर रखी गई है, ये किस संबंध में रखी है, क्या है मामला? ये मीटिंग उत्तर प्रदेश में हर जगह हर मंडल में हो रही है। ईपीएस 95 चूंकि राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, इसका आपको विस्तार रूप से मैं बताता हूँ। भविष्य निधि, अरे मेरी नहीं, अरे भविष्य निधि जो कर्मचारी की जमा होती है उसके द्वारा हमको पेंशन 1995 से ये नियम लागू हुआ था। उस समय ये कहा गया था कि आपको पेंशन बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन आज जो रिटायर हो रहे हैं 500 से 2000, 2500, 3000 रुपए पेंशन मिली। लंबे समय से इसकी मांग चल रही है। माननीय हेमा मालिनी जी ने प्रधानमंत्री जी से हम लोगों की मीटिंग कराई, जिसमें उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया कि हर हालत में आपकी मांगों पर, आपकी मांगें जायज हैं, सकारात्मक निर्णय लिया। लेकिन 15 दिन बीते ही थे कि एक दैवीय आपदा कोरोना काल आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी या श्रम मंत्री जी ने कोई कार्य नहीं किए, लेकिन इस बीच में इन पेंशन भोगियों, अल्प पेंशन भोगियों को कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंतोगत्ता अब हम लोगों ने फिर से आंदोलन का मूड बनाया है। उसी परिपेक्ष में हर जनपद में, हर मंडल में, पूरे भारत में बैठकें हो रही हैं। 30 नवंबर तक का हमें आश्वासन भी दिया गया है। माननीय हेमा मालिनी जी, अन्य सांसदों ने लोकसभा में जो प्रश्नकाल में उठाए गए थे, 30 नवंबर तक यदि नहीं होता है तो हम जो ईपीएस 95 के, ये आप देख रहे हैं, जो 60 साल से 70 साल तक के पेंशनर्स हैं, आज भुखमरी की कगार पे हैं, अपने दो वक्त की रोटी अपने बच्चों के ऊपर आश्रित हो रहे हैं। 30-30 साल तक उन्होंने विभाग की सेवाएं की हैं, अपना श्रमदान दिया है, और आज ये राजनेता ये कहते हैं कि आपको देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि जो ये लोग एक दिन जीतते हैं, सदन में पहुंचते हैं 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख रुपए पेंशन के रूप में कर्मचारियों का या इस जनता की लूट से लेते हैं। हम लोगों ने श्रम दान दिया, अपना अंशदान दिया, इनका कोई अंशदान नहीं है। और 50,000 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, अभी एक आरटीआई में हरियाणा के मुख्यमंत्री जो इस समय जेल में भी हैं, उनको 2.5 लाख रुपए पेंशन मिल रही है। मैं आपसे निवेदन कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आप भी इसको विस्तार रूप से ऊपर उठाएं और हम कर्मचारियों की जो जायज बातें हैं, ईपीएस 95 पेंशनर्स, जो माननीय कमांडर साहब जो एक नेवी के कमांडर हैं, उन्होंने इन कर्मचारियों की मांगों को जायज समझा और अपने तन मन और धन से उन्होंने हम लोगों की बातों को पूरे भारतवर्ष में, हम लोग जो
भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न घटकों में विपरीत स्थितियों में वहाँ पर नियमित रूप से रोजाना कृमि अनशन चालू है। 4 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिले थे प्रतिनिधिमंडल को लेकर, लेकिन आज तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण आश्वासन दिया हुआ है कि आपकी मांगों पर पूर्ण सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद आपकी मांगे मानी जाएंगी। मेरा मीडिया के भाइयों के माध्यम से ये निवेदन है कि हमारी जो व्यथा कथा है उसको अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कृपा। ठीक। ईपीएस 95 बरेली, राष्ट्रीय संघर्ष समिति बरेली का हूं। हमारी मुख्य मांगे न्यूनतम पेंशन 7,500 की जाए, कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट अविलंब लागू की जाए, पति पत्नी दोनों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा हमको दी जाए, और जो हमारे पेंशनर्स किसी वजह से इस पेंशन स्कीम के सदस्य नहीं है उनको या तो एक बार मौका दिया जाए ईपीएस 95 पेंशन स्कीम का सदस्य बनने का, अन्यथा उनको कम से कम 5,000 रुपया महीना एक मुश्त पेंशन।